मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑन नेट झारखंड पे। फ्रेंड्स, आज है 6 जून और आज के इस वीडियो में हम लोग 6 जून के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। 6 जून के झारखंड के करंट अफेयर्स से जितने भी सारे करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखा कीजिए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन के साथ मैंने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी डिस्कस किए हैं। और वीडियो के अंत में आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। शुरुआत करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन, जो भी न्यू अपडेट्स आएंगी उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाया करेगी। फ्रेंड्स, डेली मॉर्निंग 5 बजे यहाँ पे करंट अफेयर्स की एक महत्वपूर्ण वीडियो आती है डेली बेसिस पे, तो आप इसे ज़रूर से देखा कीजिए। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन दे दीजिए, वहाँ से आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर पाएंगे। वीडियो की PDF जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे डेली बेसिस पे प्रोवाइड कर दी जाती है। चलिए आज के करंट अफेयर्स को चलते हैं फ्रेंड्स, और आज के करंट अफेयर्स का सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में झारखंड के किस ज़िले में ऑटो की सवारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल करना अनिवार्य कर दी गई है। तो अभी हाल ही में झारखंड के रांची ज़िले में, किस ज़िले में, रांची ज़िले में जो है ऑटो की सवारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल करना अनिवार्य कर दी गई है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रांची। चलिए इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को भी हम लोग यहाँ पे डिटेल्स में डिस्कस कर लेते हैं। रांची में ऑटो की सवारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल करना अनिवार्य कर दी गई है। झारखंड सरकार के परिवहन विभाग ने कहा है कि कंटेनमेंट जोन के बाहर ऑटो की सवारी के लिए ऑटो चालक और उसमें बैठने वाले यात्री के पास यदि स्मार्टफोन है तो उन्हें आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना अनिवार्य होगा। तो ये जो है नियम लागू कर दी गई है रांची में, ठीक है। रांची में ऑटो की सवारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल करना जो है नेसेसरी कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में झारखंड के कौन वर्ल्ड बैंक के ED सलाहकार बन गए हैं। तो झारखंड का कौन सा व्यक्ति जो है वर्ल्ड बैंक के ED सलाहकार अभी हाल ही में बने हैं। तो ये जो है राजीव टोपनो, यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजीव टोपनो झारखंड के हैं और ये जो है वर्ल्ड बैंक के ED सलाहकार बन गए हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजीव टोपनो। चलिए इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को भी हम लोग यहाँ पे डिटेल्स में डिस्कस कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव राजीव टोपनो को वाशिंगटन में विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है तथा उनका कार्यकाल 3 वर्षों का होगा, ठीक है। तो इनका जो कार्यकाल है 3 वर्षों का होगा और इन्हें वर्ल्ड बैंक के कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है, ठीक है। और वर्ल्ड बैंक का जो हेड ऑफिस का है वाशिंगटन DC में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, 1996 बैच के IAS अधिकारी राजीव टोपनो मूल रूप से चुनाव टोली यानी रांची के रहने वाले हैं। इनके माता पिता कहाँ रहते हैं, चुनाव टोली में, ठीक है, जो कि रांची शहर में स्थित है। तो ये 1996 बैच के IAS अधिकारी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स, और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में झारखंड के कितने सरकारी विद्यालयों को स्वच्छ विद्यालय में 4 स्टार ग्रेडिंग प्राप्त हुआ है। तो अभी हाल ही में झारखंड के जो है 22 सरकारी विद्यालयों को स्वच्छ विद्यालय में 4 स्टार की ग्रेडिंग प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 22, ठीक है। 22 सरकारी विद्यालयों को 4 स्टार ग्रेडिंग प्राप्त हुआ है। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को भी यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड्स। इसमें जैसे आप देख पा रहे हैं, रांची के 22 सरकारी स्कूलों को स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार में 4 स्टार प्राप्त करने के उपलक्ष्य में 50,000 रुपये का पुरस्कार दिया गया है। इनमें रांची सदर के 2, बेड़ो के 19 और तमाड़ के 1 स्कूल शामिल हैं, ठीक है। तो टोटल जो है रांची के 22 सरकारी विद्यालयों को स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार में 4 स्टार जो है प्राप्त हुआ है, 4 स्टार ग्रेडिंग प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस पुरस्कार की घोषणा स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में की गई, ठीक है। और यहाँ पे जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को, इसके जो सब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं। मैंने कोशिश किया है कि आपको शॉर्टकट में है जो है डिटेल्स में आपको समझा पाऊँ। तो यहाँ पे बताया गया है कि कुल आवेदक जो थे, ठीक है, इस प्रतियोगिता के लिए जो इसमें पुरस्कार दिया गया है 4 स्टार या फिर 3 स्टार या फिर 5 स्टार, इस ग्रेडिंग के लिए जो टोटल आवेदक थे 30,000 विद्यालयों ने, राज्य के 30,000 विद्यालयों ने इसके लिए आवेदन दिया था। और 5 स्टार 30,000 विद्यालयों में से 5 स्टार कितने को मिला है, तो 212 विद्यालयों को 5 स्टार मिला है, ठीक है। और जितने भी सारे स्कूलों को 5 स्टार की ग्रेडिंग प्राप्त हुई है उन्हें 1 लाख रुपये का पुरस्कार दिया गया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है 4 स्टार, ठीक है। 4 स्टार ग्रेडिंग कितने विद्यालयों को प्राप्त हुई है, तो 30,000 विद्यालयों में से 2,008 विद्यालयों को 4 स्टार की ग्रेडिंग प्राप्त हुई है। और सारे जितने भी सारे 4 स्टार की ग्रेडिंग प्राप्त हुई उन सारे विद्यालयों को 50,000 की पुरस्कार राशि प्राप्त हुई है, ठीक है, उन्हें 50,000 की पुरस्कार राशि प्रदान कर दी गई है। तो 2008 विद्यालयों को जो है 4 स्टार ग्रेडिंग प्राप्त हुई है और इन्हीं 2008 विद्यालयों में से झारखंड के 22 विद्यालय भी शामिल हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में किस स्तर पर बेहतर कार्य करने पर अच्छी स्वच्छता रेटिंग निर्धारित की गई है। तो अभी अच्छी स्वच्छता रेटिंग पाने के लिए अगर किसी शहर का स्वच्छता रेटिंग अच्छी बनाना है तो उसके लिए जो है किस स्तर पर बेहतर कार्य करना पड़ेगा स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के लिए। तो इसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वार्ड स्तर, ठीक है। तो वार्ड स्तर पे जो है स्वच्छता सर्वेक्षण किया जाएगा, उसके आधार पे ही शहर का स्वच्छता रेटिंग निर्धारित की जाएगी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वार्ड स्तर। चलिए इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पे डिटेल्स में डिस्कस कर लेते हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 की प्रक्रिया के लिए केंद्रीय शहरी कार्य मंत्रालय ने पिछले साल की तुलना में इस वर्ष जो है कई जो है बदलाव किए हैं, ठीक है। तो इस वर्ष कई बार जो है बदलाव किए जाते हैं, तो इस वर्ष भी बदलाव किए गए हैं। और इन बदलाव में से क्या बदलाव किए हैं हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। झारखंड के शहरों को स्वच्छता में अच्छी स्टार रेटिंग के लिए शहर की बजाय वार्ड स्तर पर बेहतर काम करना होगा तथा वार्डों की रेटिंग और औसत निकालकर शहर की रेटिंग तय की जाएगी, ठीक है। तो शहर की रेटिंग प्राप्त करने के लिए आपको वार्ड स्तर पर उसकी स्वच्छता रेटिंग को जो है मापी जाएगी। तो इस बेसिस पे इस बार जो है नियम बदल दिए गए हैं, ठीक है। और इस बार स्वच्छता रेटिंग के लिए वार्ड स्तर पर स्वच्छता की रेटिंग जांची जाएगी और उसी बेसिस पे ही उसकी औसतन निकालकर शहर की रेटिंग तय की जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में झारखंड के नए शहरों में पाइपलाइन से पेयजल पहुंचाने की तैयारी किस बैंक की सहायता से शुरू की गई है। तो झारखंड के 11 नए शहरों में पाइपलाइन से पेयजल पहुंचाने की तैयारी की जा रही है और यह किस बैंक की सहायता से शुरू की गई है, तो यह विश्व बैंक की सहायता से शुरू कर दी गई है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विश्व बैंक। चलिए इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। झारखंड के 11 नए शहरों में पाइपलाइन से पेयजल पहुंचाने की तैयारी नगर विकास विभाग ने शुरू की है। 3.5 लाख लोगों को इसका फ़ायदा होगा और विश्व बैंक की सहायता से यह काम कराया जाएगा एवं कार्य की गुणवत्ता उच्च कोटि की रखी जाएगी। तो यह जो किसकी सहायता से, विश्व बैंक की सहायता से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में राज्य सरकार ने बागवानी किसानों को कितनी राशि वाउचर वितरित करने की पहल की है। तो अभी हाल ही में राज्य सरकार ने बागवानी किसानी, ठीक है, जो बागवानी किसानी करते हैं उन किसानों को कितनी राशि वाउचर वितरित करने की पहल की है, तो इन्हें 1,000 रुपये की राशि दी जाएगी। उसकी जो वाउचर है, राशि वाउचर दी जाएगी, ठीक है, कैश नहीं दिया जाएगा, उसका वाउचर दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1,000 रुपये। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पे हम लोग जान लेते हैं। पर्यावरण दिवस के मौके पर राज्य सरकार ने बागवानी किसानों को बीज की खरीदारी के लिए 1,000 रुपये का वाउचर देने की घोषणा की है, ठीक है। इस वाउचर का इस्तेमाल सिर्फ बीज की खरीदारी के लिए किया जा सकेगा, जिससे किसान सही दुकान में बीज की खरीदारी कर सकेंगे। तो इसका इस्तेमाल क्यों ये प्रोवाइड की जा रही है किसानों को, ताकि किसान जो है सही बीज का खरीदारी कर सकें। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट है पर्यावरण दिवस, ठीक है। पर्यावरण दिवस कब मनाया था? तो पर्यावरण दिवस हर वर्ष 5 जून को मनाया जाता है, इसे भी याद रखा कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य सरकार ने किसे झारखंड फिल्म विकास लिमिटेड का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? तो अभी हाल ही में राज्य सरकार ने झारखंड फिल्म विकास लिमिटेड का प्रबंध निदेशक जो है नियुक्त किया है किसे? राजीव लोचन बख्शी को। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजीव लोचन बख्शी। ओके, चलिए इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं फ्रेंड्स। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, राज्य सरकार ने जनसंपर्क निदेशालय के निदेशक राजीव लोचन बख्शी को झारखंड फिल्म विकास लिमिटेड का प्रबंध निदेशक बनाया है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके। राज्य सरकार ने जनसंपर्क निदेशालय के निदेशक राजीव लोचन बख्शी को झारखंड फिल्म विकास लिमिटेड का प्रबंध निदेशक बनाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का आंसर ऑफ द डे देख लेते हैं, जो कि प्रीवियस वीडियो में आपको क्वेश्चन ऑफ द डे में दिया गया था और आप लोगों की बिल्कुल राइट आंसर है फ्रेंड्स। मैंने आप लोगों का कमेंट्स देखा तो उसमें बिल्कुल आप लोगों के राइट आंसर है, और जो राइट आंसर है यहाँ पे हम लोग डिटेल्स में जान लेते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में हुए स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में झारखंड बिहार के एकमात्र किस शहर को 3 स्टार रेटिंग मिली है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में हुए स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में झारखंड बिहार के एकमात्र शहर जो है जमशेदपुर है, ठीक है, जिसे 3 स्टार रेटिंग मिली है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जमशेदपुर, ठीक है, जमशेदपुर यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। केंद्रीय नगर विकास मंत्रालय द्वारा जारी कचरा मुक्त स्टार रेटिंग में झारखंड बिहार में सिर्फ जमशेदपुर को 3 स्टार रेटिंग मिली है। यह रेटिंग ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के मूल्यांकन के लिए किए गए सर्वे के आधार पर की गई है। अच्छा, यहाँ पे जो टोटल 5 स्टार रेटिंग कितने शहरों को मिली है? तो 5 स्टार 6 शहरों को मिली है। 6 शहरों में से राजकोट, इंदौर, सूरत, मैसूर, अंबिकापुर और नवी मुंबई, इन 6 शहरों को 5 स्टार रेटिंग मिली है। 3 स्टार रेटिंग मिली है 65 शहरों को और सिंगल स्टार रेटिंग मिली है 70 शहरों को। तो यहाँ पे जो 3 स्टार रेटिंग में हमारे झारखंड के शहर जमशेदपुर भी शामिल हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि क्वेश्चन ऑफ द डे है। ये इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन है, राज्य का पहला विश्वविद्यालय जहाँ कोरोना पर पढ़ाई होगी निम्न में से कौन सी है? तो पहला विश्वविद्यालय कौन सा है जहाँ पे कोरोना की पढ़ाई होगी, ठीक है, कोरोना को सब्जेक्ट में शामिल किया गया है। तो इसके लिए ऑप्शंस दिए गए हैं, रांची यूनिवर्सिटी, झारखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी, कोल्हान यूनिवर्सिटी या सिद्धो कान्हू मुर्मू यूनिवर्सिटी। तो इन 4 ऑप्शंस में से प्रयास कीजिएगा कि आप सही आंसर इसका कमेंट बॉक्स में कर सकें। तो फ्रेंड्स, ये था 6 जून के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और उससे संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज़ इसे ज़रूर से लाइक एंड शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।